हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सरफ, सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, हम जो सोलर बैटरी खरीदते हैं, चाहे वो नॉर्मल बैटरी हो, सोलर बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी हो, तो हम बैटरी का सिलेक्शन कैसे करें। आज के वीडियो में टॉपिक ये रहेगा कि हम सोलर बैटरी का सिलेक्शन करेंगे। अगर हमें आपको सोलर बैटरी परचेस करना है तो क्या क्या देख के, क्या क्या चूज करके, क्या क्या सिलेक्शन करके आप बैटरी परचेस कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे, अलग अलग स्टेप में, अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे बैटरी का सिलेक्शन को लेके। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है पहले जान लेते हैं कि बैटरी जो हमें परचेस करना है, तीन तरह का बैटरी मैंने नाम लिया, जैसे कि नॉर्मल बैटरी जो कि जिसको हम लोग इन्वर्टर बैटरी बोल सकते हैं, सोलर बैटरी जो कि आपको परचेस करना है, और तीसरा जो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी भी जो होता है वो सोलर बैटरी में आता है, लेकिन वो लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो अलग क्वालिटी का होता है, अलग चीज़ है वो। तो इसके बारे में मैंने डिफरेंस का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप नहीं देखे हो तो देख लेना। फिलहाल हम चलते हैं सोलर बैटरी पे, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला नंबर जो है वो टाइप्स हो गया सोलर बैटरी का, तो आप सोलर बैटरी आपको परचेस करना है। अगला जो आता है बैकअप टाइप, हमें क्या मिलने वाला। जी हाँ, अगर आप नॉर्मल बैटरी लेते हो उसका बैकअप टाइप कुछ और होगा, सोलर बैटरी का कुछ और होगा, लिथियम आयन बैटरी का कुछ और होगा। तो सोलर बैटरी का हम बात करते हैं बैकअप टाइम का। नॉर्मल बैटरी में अगर आपको 5 घंटे का बैकअप मिल रहा है तो इससे 20-25% ज़्यादा बैकअप मिलेगा आपको सोलर बैटरी में, तो बैकअप ज़्यादा मिलता है सोलर बैटरी में। अगर बात करें चार्जिंग टाइम का, तो सोलर बैटरी जो होता है उसको चार्जिंग का अगर टाइम देखा जाए तो 9-10 घंटे काफ़ी होते हैं। 9-10 घंटे में बैटरी आपका पूरा चार्ज हो जाएगा सोलर बैटरी। यही बात करें नॉर्मल बैटरी में तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। कितना लेता है आप देख लेना, स्पेशली मैंने वीडियो अपलोड किया है तो उसको देखोगे समझ में आ जाएगा। तो सोलर बैटरी जो होता है 9-10 घंटे में इसलिए चार्ज होता है क्योंकि एक ऑन एन एवरेज अगर बात करें कि धूप जो है वो लगभग 8-9-10 घंटे ही रहते हैं। अगर ठंडे में कम रहते हैं वो, लेकिन ठंडा कितना टाइम होता है, 1 से हार्डली 1 महीने का होता है, लेकिन मोस्टली टाइम जो होता है 9-10 घंटे आराम से धूप रहते हैं। तो इस तरह से चार्जिंग साइकिल डिजाइन किया जाता है उसका कि 9-10 घंटे में बैटरी को आसानी से पूरा चार्ज कर दे। तो चार्जिंग टाइम 9-10 घंटे का। चलते हैं आगे, चलते हैं बात करते हैं जो अगला पॉइंट है, बैटरी का कैपेसिटी यानी एम्पेयर, कितना एम्पेयर का बैटरी होना चाहिए। तो हम सिलेक्शन करें बैटरी का तो हमें एम्पेयर भी देखना होता है कि कितने एम्पेयर का बैटरी हमें लेना चाहिए। तो बात करें अगर 20 एम्पेयर से लेके आपको मार्केट में 300 एम्पेयर तक का बैटरी आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। कुछ कुछ कंपनी का 300 नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी का 250 एम्पेयर तक का बैटरी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें कि ज़्यादा एम्पेयर का बैटरी लोगों, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आपको बैकअप मिलने वाला है। लेकिन आप सोलर बैटरी अगर लेना चाहते हो तो कोशिश ये करो कि 150 एम्पेयर से नीचे का बैटरी ना लो, क्योंकि सोलर बैटरी है तो ज़्यादा बैकअप आपको मिलना चाहिए। तो उसके एक हिसाब से 200 एम्पेयर का बैटरी सही रहेगा, ना ज़्यादा ज़्यादा होगा ना कम होगा, बीच का आप 200 एम्पेयर का बैटरी ले सकते हो। तो बैटरी आपको पता चल गया कितने एम्पेयर का लेना, 200 एम्पेयर का बैटरी लेना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो चार्जिंग साइकिल का। बात करें हम चार्जिंग साइकिल क्या होता है, चार्जिंग साइकिल ये होता है कितने देर में चार्ज होगा और कितने देर में डिस्चार्ज होगा, जिसको हम लोग C10 या C20 या C5 बोल सकते हैं। सोलर बैटरी जो होता है C10 रेटिंग में ही मार्केट में अवेलेबल है, आपको C20 या C5 नहीं मिलेगा, सिर्फ C10 रेटिंग का बैटरी मिलेगा। और C10 रेटिंग का बैटरी का मतलब होता है कि 10 घंटे में वो चार्ज हो जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा, और 10 घंटे तक वो 1% खुद ब खुद पावर लूज़ नहीं करेगा। 10 घंटे के बाद कोई भी बैटरी जो होता है वो लूज़ कर सकता है अपना पावर धीरे धीरे, लेकिन 10 घंटे तक वो 1% पावर लूज़ नहीं करेगा। तो चार्जिंग साइकिल उसका हो गया C10 रेटिंग का। चलते हैं आगे, हम अगला पॉइंट जो देखते हैं वारंटी। तो आपको नॉर्मल बैटरी में जो होता है हार्डली 3-4 साल का वारंटी मिलता है, लेकिन सोलर बैटरी में मिनिमम आपको 5 साल का वारंटी तो मिलेगा ही। किसी भी कंपनी का बैटरी लेते हो, कितने भी एम्पेयर का बैटरी लेते हो, तो इसमें वारंटी जो 5 साल, आप बात करते हैं कि सिर्फ वारंटी 5 साल है, लेकिन अगर आप इसका सही से मेंटेनेंस करके रखो तो इसका बैटरी का जो लाइफ है 8-10 साल आसानी से चलेगा। जी हाँ, ऐसे मैंने सोलर बैटरी अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी भी मतलब लगभग समझ लो कि आप 6-7 साल से मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ तो अभी भी चल रहा है। मैं प्रैक्टिकली मैं अपना बता रहा हूँ, तो 6-8-9 साल तक बैटरी जो है आसानी से चलते हैं सोलर बैटरी। बैटरी का लाइफ ज़्यादा होता है, नॉर्मल बैटरी अगर चल देंगे 5-6 साल, हार्डली 6 साल चला, उससे ज़्यादा नहीं चलता कोई भी नॉर्मल बैटरी, लेकिन सोलर बैटरी 8-10 साल आसानी से चल सकता है। तो बात करें वारंटी का 5 साल, लेकिन लाइफ हो गया उसका 10 साल तक। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो है मेंटेनेंस। जी हाँ, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंटेनेंस आप अच्छे से करते हो लेड एसिड बैटरी का तो उसका लाइफ जो है 1-2 साल बढ़ जाएगा। तो स्पेशली मैंने एक टॉपिक इस पर बनाया है कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करें, तो इस पर मैंने 16 अलग अलग पॉइंट पे मैंने समझाया कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, किस किस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, वो वीडियो आप देखोगे तो बैटरी का सही से मेंटेनेंस करना आपको आ जाएगा और बैटरी का लाइफ आप बढ़ा सकते हो। तो बैटरी का मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिथियम आयन बैटरी में मेंटेनेंस नहीं होता, लेकिन लेड एसिड बैटरी में बैटरी का मेंटेनेंस
डिस्कस करना होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है प्राइस का बात करें तो अगर नॉर्मल बैटरी का प्राइस जो है, अगर मान लो कोई बैटरी का प्राइस 15,000 है तो वही सेम एम्पेयर का बैटरी अगर आप सोलर बैटरी में लेते हो तो आपको हार्डली 17,000 में मिल जाएंगे, मतलब 2,000 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा सोलर बैटरी में। बहुत लोगों का ये भी मन में रहता है ऐसा कि सोलर बैटरी बहुत महंगा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है। अगर आप नॉर्मल बैटरी 15,000 में ले रहे हो तो सोलर बैटरी आपको सेम एम्पेयर का 17,000 में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 16,000 16-17 तक हार्डली जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा कॉस्ट किसी भी एम्पेयर का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 200 एम्पेयर का या 150 एम्पेयर, किसी भी बैटरी किसी भी एम्पेयर का। अगर कोई बैटरी आप 200 एम्पेयर का ले रहे हो तो वो बैटरी जितने भी ले रहे हो उससे 1 से 2,000 ज़्यादा ही कॉस्ट पड़ेगा सोलर बैटरी में। तो आपको प्राइस भी पता चल गया कितना होगा नॉर्मल बैटरी से, कितना ज़्यादा होगा प्राइस सोलर बैटरी का। तो इस 6-7 मैंने पॉइंट बताए, 8 पॉइंट बताए, तो इस 8 पॉइंट के बिहाफ पे आप सोलर बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हो। अब भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ लगे कि आपको सोलर बैटरी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको कंपनी पता नहीं चल पा रहा है कौन से कंपनी का ले, तो ये कंपनी का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कि कौन से कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर कौन से बैटरी कंपनी का क्या प्राइस पड़ता है। तो अलग अलग कंपनी का मैंने प्राइस लिस्ट वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, चाहे वो लुमिनस हो, एक्साइड हो, चाहे वो टाटा का हो, तो चाहे वो कायाक हो, जिसका भी बैटरी होगा वो अलग अलग प्राइस वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर।